ऐसा एंटी एजिंग मास्क जो चेहरे को कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। नमस्कार, चेहरे से बुढ़ापा खत्म कर स्किन को टाइट और गोरा बनाएगा ये उपाय। दोस्तों, बाहर का बढ़ता पोल्यूशन हमारे चेहरे को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है, जिससे मुहासों का आना, रूखापन और समय से पहले झुर्रियां आने का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। और इसे ठीक करने के लिए हर कोई महंगी दवाइयों का सहारा नहीं ले सकता। लेकिन दोस्तों, ये जो उपाय है, ये एक ऐसा एंटी एजिंग उपाय है जो चेहरे से बुढ़ापा पूरी तरह से गायब करेगा। ये दोस्तों आपके चेहरे से झुर्रियां हटाएगा, त्वचा का ग्लो वापस लेकर आएगा और पोल्यूशन और दूसरी चीजों से काली पड़ गई स्किन को फिर से गोरा बनाएगा और आप बेहद सुंदर दिखेंगे। इस उपाय का आपको इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना दोस्तों बेहद जरूरी है। इसके लिए इसे पूरा देखिए। ये उपाय बनाने में पहली प्रयोग होने वाली चीज दोस्तों आपको हर घर में मिलेगी और वो है ये बेसन का आटा। स्किन का गायब ग्लो और टैनिंग रिमूव करने के लिए दोस्तों बेसन का आटा बहुत फायदेमंद है और इसकी मसाज से हमारी स्किन टाइट होती है, जिससे झुर्रियां कम होने लगती हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर इसको एक चम्मच लेना है। आप इस तरह से खाली कटोरी में एक चम्मच बेसन का आटा डालिए। और अगली चीज जो आपको यहाँ पर मिलानी है वो है ये एलोवेरा जेल। हमने दोस्तों यहाँ पर ये मसाज करने वाला एलोवेरा जेल लिया है। आपके पास अगर नेचुरल है तो वो लीजिए, क्योंकि ये मसाज करने वाला एलोवेरा जेल ज्यादा समय तक खराब नहीं होता। आपको यहाँ पर इसे आधा चम्मच के बराबर लेना है। आप आधा चम्मच इस तरह से एलोवेरा जेल को लीजिए। आप इसे इस बेसन में डालिए और इसे डालने के बाद हम इन दोनों को मिलाएंगे, जिससे दोस्तों हमें ये पता चलेगा कि हमें अगली चीज इसमें कितनी डालनी है। आप इन्हें पहले मिक्स कीजिए और फिर आप यहाँ पर लीजिए पानी को। आपको दोस्तों साधारण पानी लेना है। पानी को जो है आपको इसे इतना डालना है जिससे ये एक पूरी क्रीम में बन जाए। हम इसे पहले 2 चम्मच डालेंगे। आप 2 चम्मच डाल लीजिए और इसे मिलाइए। अगर आपको ज्यादा पानी की जरूरत डले तो आप और डाल सकते हैं। आप इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हिलाइए और आपको जो टेक्सचर है इस तरह से मिलेगा। आप इस तरह से इसकी क्रीम जैसी एक पेस्ट तैयार कीजिए। और आखिरी चीज जो दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे, उसमें 40 से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और वो है ये जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक में दोस्तों 40 से भी ज्यादा ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी स्किन पर एंटी एजिंग और हमारी त्वचा के रंग को, यानी कि स्किन टोन को लाइट करते हैं। आप दोस्तों इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के स्कार, झुर्रियां, पिंपल के निशान या त्वचा के रंग में निखार लाने के लिए किसी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय का इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये जरूर जानिए। इसका प्रयोग करने से पहले दोस्तों आप अपने चेहरे को किसी भी तरह के टॉवल या टॉवल जैसे कपड़े से अपने चेहरे को साफ कीजिए। उसके लिए आप यहाँ पर हल्का गर्म पानी लीजिए और उसमें इस तरह से टॉवल जैसे कपड़े को डुबोकर अपने चेहरे के ऊपर अच्छे से साफ कीजिए। इससे आपके चेहरे के पोर्स ओपन होंगे और इस रेमेडी का असर दोगुना हो जाएगा। और फिर आप इस्तेमाल कीजिए इस उपाय का। इसके लिए आप इस तरह से ये जिंजर का पीस लीजिए और हम इसे पहले छोटा सा काट लेंगे, जिस पर हम ये क्रीम डालेंगे। आप इतना सा पीस लीजिए और इस तरह से इस पर ये हल्की सी क्रीम डाल लीजिए। इसे डालने के बाद हम दोस्तों इसे चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरह से देखिए अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर इसे रब कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फाइन लाइंस है, जहाँ पर आपकी एजिंग है, झुर्रियाँ आ रखी हैं या आपके किसी स्कार का निशान है, आप इसे वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। और टैनिंग के कारण अगर आपकी स्किन का कलर चेंज हुआ है तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीक में आपको इसका इस्तेमाल 2 बार करना है, तो इसलिए आप कम से कम इसे 10 मिनट तक तो अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से रब कीजिए और फिर आप इसे सूखने के लिए इस पेस्ट को छोड़ दीजिए। दोस्तों, जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो ध्यान रखिए कि जिंजर जो है आपकी स्किन पर अच्छे से रब हो, जिससे आपको इसका पूरा असर दिखेगा और त्वचा से जुड़ी आपकी हर समस्या खत्म होगी और आपकी स्किन पर एक नया ग्लो आएगा, जैसे चेहरा पहले से अधिक चमक उठेगा और रंग गोरा होगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।